हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट किया था, जिसमें हमने एम की वैल्यू से वाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। ठीक, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होगी, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर इक्वल में जीरो नहीं है उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ बी पार्ट। अब इसमें जो भी फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताती रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डी स्केयर प्लस थ्री डी प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स। अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था यानी सिक्स्थ ए पार्ट के जो क्वेश्चन किए थे उसमें इक्वल में जीरो था। अब यहाँ पर इक्वल जीरो नहीं है, तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो y का होगा cf प्लस pi की फॉर्म में, जहाँ पे cf तो हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था y के कैलकुलेट किया था तो वो cf था, क्योंकि y इक्वल टू होता है cf प्लस pi। अब देखो pi का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन fd मल्टीप्लाई q। fd का मीन्स होता है d में जो भी इक्वेशन गिवन है, यानी यहाँ पर fd का मीन्स क्या होगा, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, और क्यों क्या होता है जो इक्वल में वैल्यू होती है। ओके, अब अगर हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वल में जीरो है तो क्यों की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और क्यों की वैल्यू जीरो आती है, पीआई क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। अगर पीआई जीरो है तो वाई का सॉल्यूशन सीएफ हुआ, यानी सीएफ किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल ही होगा अगर इक्वल जीरो है, जो कि हमने ए पार्ट में क्वेश्चन किए थे। तो यहां पर इक्वल जीरो नहीं है तो हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या मीन्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो m की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और पी आई क्या मीन्स होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई हम यहां पर इस क्वेश्चन से कैलकुलेट करके बताएंगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू वाई। तो हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से की थी, d को m रखा था, तो एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यहीं से हमने सी एफ निकाला था ना, यानी y कैलकुलेट किया था, यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, m प्लस वन एम प्लस टू इक्वल जीरो, ये फैक्टर बन रहे ना। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस वन माइनस टू। अगर m की वैल्यू माइनस वन माइनस टू है तो सी एफ का मान सी वन ई की पावर माइनस एक्स और सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स, ये हम कर चुके हैं m की वैल्यू से सी एफ निकालना। m की अलग अलग वैल्यू थी, हमने दो कॉन्स्टेंट अलग अलग लिए, सी वन ई की पावर माइनस एक्स और सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स। अब हमें कैलकुलेशन करनी है पी आई के लिए, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। तो पी आई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पी आई इज इक्वल टू वन बाय एफ डी मल्टीप्लाई क्यू। अब एफ डी वन अपॉन एफ डी, एफ डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी स्केयर प्लस थ्री डी प्लस टू मल्टीप्लाई क्यू, यानी ई रेस्ट पावर एक्स। अब यहाँ पर ई रेस्ट पावर एक्स पी आई इज इक्वल टू, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। इसके फैक्टर क्या आएंगे, अभी हमने m के फॉर्म में फैक्टर बनाए थे ना, तो d प्लस वन डी प्लस टू इसके फैक्टर होंगे e raised to power x pi is equal to। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर 1 अपॉन एफ डी और मल्टीप्लाई में e raised to power ax आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई होगा मैं आपको फॉर्मूला बताती जाऊंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जहां पर d है वहां पर हमें a रखना है, d की जगह हमें क्या रखना है, a। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर हम d की जगह a रख रहे हैं तो सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, अगर इक्वल जीरो है तो उसका मेथड, उसका फॉर्मूला आपको उसी टाइप के क्वेश्चन में बताऊंगी। अब यहाँ देखो, अगर d की जगह हमने a रखा, a की जगह हमारे पास क्या है, वन है, e की पावर ax होता है, x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो d a होगा, तो x के साथ यहाँ पर क्या है, वन है, तो a की वैल्यू वन, तो d की जगह हम क्या पुट करेंगे, वन। लेकिन कंडीशन नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल जीरो की है तो देखो
t की जगह अगर हमने 1 रखा तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2 e raised to power x not equal to 0 बना ना fd, तो pi is equal to 1 plus 1 2, 1 plus 2 3 e raised to power x, तो pi is equal to 1 by 6 e raised to power x. okay, calculate pi को calculate करने का means हमें differential की term को हटाना है, यानी d को हटाना है, d खत्म हो गया, it means pi की value e raised to power x upon 6. तो y किसके equal था, cf plus pi के equal, तो y is equal to cf, m की value minus 1 minus 2 थी ना, तो c1 e की power x plus c2 e की power minus 2x plus pi 1 by 6 e raised to power x, जो कि given differential equation का solution होगा. okay, आगे समझ में आपको. तो next question करते हैं हम. next question क्या है हमारे पास, देखो d square plus a square y is equal to sec ax, इसे solve करें. अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल टू क्या होता है, cf plus pi होता है, तो हमें cf कैलकुलेट करना है, pi कैलकुलेट करना है. तो cf के लिए हम क्या करेंगे, d की जगह m रखा, m square plus a square इज इक्वल टू 0, m square इज इक्वल टू minus a square, m क्या हो जाएगा हमारे पास plus minus iota a, तो cf क्या हुआ, अगर iota में वैल्यू आ रही है तो cf क्या होगा, देखो e की पावर रियल पार्ट 0, c1 cos इमेजिनरी पार्ट क्या है, a है ना, तो ax, c2 sin ax, e की पावर 0 का मींस क्या होता है, 1 होता है, तो c1 cos ax plus c2 sin ax. ओके, ये हो गया cf. अब हमें pi कैलकुलेट करना है, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, तो पार्टिकुलर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन fd मल्टीप्लाई क्या हो, तो pi इज इक्वल टू 1 अपॉन fd यानी d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू यानी sec ax. ओके, आपको क्या बताया था, अपॉन में fd की जो वैल्यू है हम उसके पार्ट्स करेंगे, तो pi इज इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस iota a और d माइनस iota a, ये इसके पार्ट्स होंगे, क्योंकि m में जो पार्ट्स आया है, m की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू d की होंगी, sec ax. अब यहां पर देखो, अगर e रेज़ टू पावर होता तो हमने अभी मेथड पढ़ा था, उस मेथड को अप्लाई करते हैं. अगर यहाँ पर e raised to power नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला, अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी q की जो वैल्यू होगी हमारे पास जितने भी पार्ट्स आएंगे e raised to power में हो सकता है, e की पावर ax में हो सकता है, q की वैल्यू sin ax cos ax में हो सकती है, sin ax या cos ax में हो सकती है, q की जो वैल्यू है वो हमारे पास x की पावर में हो सकती है, x की पावर 1, x की पावर 2, 1 plus x and so on. अगर इनके अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसका सॉल्यूशन जो हम यहाँ पर मेथड अप्लाई करेंगे उसी मेथड से करना पड़ेगा. अब देखो, अगर इनके अलावा कोई भी वैल्यू आ रही है, इनके मेथड में आपको करवाते रहूँगी, इनके अलावा कोई भी वैल्यू आ रही है तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन जो करना होगा उसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा हमारे पास, यही होता क्या है, 1 अपॉन एफ डी मल्टीप्लाई क्यू होता है. एफ डी का मीन्स हमारे पास यहाँ पर डी प्लस या डी माइनस में फैक्टर होंगे, मान लिया हमने डी प्लस ए लिख लिया, यानी हमें अगर इस मेथड को अप्लाई करना है तो यहाँ पर सिंगल फैक्टर होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा है तो उसे बाय पार्शियल फ्रैक्शन या जिस भी मेथड से हम उन पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे. तो यहाँ पर अगर सिंगल पार्ट्स आ गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, डी प्लस ए है तो हम लिखेंगे माइनस ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर प्लस ए था तो प्लस ए एक्स, यानी अगर बाहर माइनस लिखा तो अंदर प्लस ए एक्स आएगा, मल्टीप्लाई क्यू डी एक्स. ये इन वैल्यू के अलावा अगर कोई भी वैल्यू आ रही है तो उसे हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम पी आई सेक ए एक्स के लिए. क्या करना है हमें इस मेथड के लिए, अपॉन में जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें सिंगल सिंगल पार्ट्स में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर देखो दो पार्ट्स है, दो वैल्यू मल्टीपल में है, इसके दो पार्ट्स बनेंगे, एक तो डी प्लस आईटा ए दूसरा डी माइनस आईटा ए. बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं हम, यहाँ इसे डायरेक्ट करें, दोनों पार्ट्स ले लिए, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, अगर हम प्लस का साइन ले तो डी और डी ये ऐड हो जाएंगे, जबकि ऊपर हमारे पास डिफरेंशियल की कोई टर्म नहीं है तो हम प्लस तो कर नहीं सकते. नेक्स्ट अगर हम इन दोनों के बीच में माइनस लगाएं तो डी से डी कैंसिल, तो आइटा ए प्लस आइटा ए यानी टू आइटा ए आ जाएगा. अब डिफरेंशियल की टर्म तो हम अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, 2 आइटा आ रहा है, अगर हम 2 आइटा से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 आइटा से 2 आइटा कैंसिल, सेम वैल्यू आ जाएगी ना,
और मल्टीपल sec ax। अगर आपको इस तरह से ना समझ आए तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, आंशिक भिन्न द्वारा, जो कि ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक है जिसमें अपनी ट्वेल्थ की वीडियो में अपलोड करूंगी। तो पार्टिकुलर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2 i/i। अब दो पार्ट्स बने थे, हर पार्ट्स को अलग अलग कर लो, डी माइनस आइटा ए के साथ sec ax और माइनस में डी प्लस आइटा ए के साथ sec ax। अभी फॉर्मूला करवाया था आपको 1/d + a और q की वैल्यू है तो क्या इससे सॉल्व करना है हमें 2 i/i। अगर d माइनस है तो e की पावर प्लस आइटा ax, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस है तो माइनस आइटा ax, q की वैल्यू sec ax dx माइनस में, अगेन यहाँ पर सिंगल पार्ट आ रहा है, डी प्लस आइटा ए है तो हम लिखेंगे ई की पावर माइनस आइटा ए एक्स, ई की पावर प्लस आइटा ए एक्स सेक ए एक्स डी एक्स। ओके, क्लियर है, इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ई की पावर आइटा ए एक्स, इंटीग्रेशन में ई रेज टू पावर में टर्म है, सेक में टर्म है, ई और साइन कोस या सेक में टर्म आ रही है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। इसके लिए क्या करते हैं, हम ई रेस्ट पावर माइनस आइटा ए एक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं कोस ए एक्स माइनस आइटा साइन ए एक्स। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, सेक ए एक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा ई की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला। अगर प्लस में है तो प्लस में आता है, अगर ये माइनस में आ जाए तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया है, e की पावर माइनस आइटा ए एक्स, तो थीटा की जगह ए एक्स कोस ए एक्स माइनस आइटा साइन ए एक्स, मल्टीपल सेक ए एक्स माइनस में e रेस्ट पावर माइनस आइटा ए एक्स, इंटीग्रल ऑफ e की पावर आइटा ए एक्स है तो कोस ए एक्स प्लस आइटा साइन ए एक्स, और मल्टीपल में क्या आ जाएगा हमारे पास सेक ए एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स। ओके, नाउ 1/2 i/i e की पावर आयोटा ए एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है सेक से, सेक का मीन्स क्या होता है 1/cos होता है, तो 1/cos से मल्टीप्लाई करें तो कोस को 1/cos से किया 1 और साइन को कोस से किया तो साइन ए एक्स अपॉन कोस ए एक्स। अब यहाँ पर टेन नहीं लिखेंगे हम क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है, e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, अगेन कोस को सेक से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस आइटा साइन को कोस सेक से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। 1/2 i/a ई की पावर आइटा ए एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स होगा, माइनस में आइटा साइन अपॉन कोस का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ देखो हम यहाँ करते हैं साइन ए एक्स अपॉन कोस एक्स, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो किस तरह से करेंगे, नीचे की वैल्यू का डिफरेंशिएशन ऊपर की टर्म आ रही है तो कोस ए एक्स को हम टी मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन किया तो माइनस ए साइन ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी साइन ए एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस डी टी बाई ए, इसे हम इंटीग्रेशन में पुट कर लें तो साइन ए एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई ए माइनस में अपॉन में टी, यानी माइनस 1/a लॉग टी, या हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1/a लॉग टी की जगह कोस ए एक्स, तो साइन ए एक्स अपॉन कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस 1/a लॉग कोस ए एक्स, ये वैल्यू हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में पुट कर दें तो क्या आया माइनस 1/a, या माइनस था माइनस और फॉर्मूले का प्लस, ये क्या आ गया लॉग कोस ए एक्स माइनस में ई की पावर माइनस आइटा ए एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस आइटा, अगेन साइन अपॉन कोस का इंटीग्रेशन है तो ये प्लस है, इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग माइनस होगा अपॉन ए लॉग कोस ए एक्स। ओके इंटीग्रेशन, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, तो पी आई इज इक्वल टू 1/2 i/a। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमने पहले सॉल्व किया था तो e की पावर आइटा ए एक्स चाहे वो प्लस है या माइनस है उसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया था इस फॉर्मूले से, तो सेम यहाँ पर भी हम e की पावर आइटा एक्स को लिख लेंगे कोस ए एक्स प्लस आइटा साइन ए एक्स, मल्टीपल में क्या है हमारे पास x प्लस आइटा बाय ए लॉग कोस ए एक्स,
माइनस में e की पावर आयोटा ax है तो cos ax माइनस आयोटा sin ax, और मल्टीपल में x माइनस आयोटा अपॉन a log cos ax। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो pi इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आयोटा a, ब्रैकेट खोला, इस पूरे ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें, देखो cos ax को x से करेंगे तो x cos ax, cos ax को iota upon a से किया तो iota upon a cos ax log cos ax, प्लस में iota sin ax को x से किया तो iota x sin ax, प्लस में iota sin ax को iota upon a से किया तो iota square upon a sin ax और log cos ax। अब देखो नेक्स्ट ब्रैकेट ये है cos ax माइनस iota sin ax को मल्टीप्लाई करना है, जो भी सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो सॉल्यूशन क्या आया देखो cos ax और x, यानी x cos ax प्लस है तो माइनस लिख दिया, नेक्स्ट आएगा हमारे पास माइनस यानी प्लस iota upon a cos ax log cos ax, नेक्स्ट माइनस आ रहा है तो प्लस लिखेंगे आयोटा एक्स साइन ए एक्स, और नेक्स्ट आयोटा 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 स्केयर प्लस में आ रहा है तो माइनस आयोटा स्केयर अपॉन ए साइन ए एक्स लॉग कोस ए एक्स, जो वैल्यू प्लस हो रही है उन्हें प्लस कर दो, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया आयोटा स्केयर अपॉन ए वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आयोटा ए, आयोटा अपॉन ए कोस ए एक्स लॉग कोस ए एक्स, आयोटा अपॉन ए कोस ए एक्स लॉग कोस ए एक्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो ऐड कर लें, ट्वाइस हो जाएगी 2 आयोटा अपॉन ए कोस ए एक्स लॉग कोस ए एक्स, इसी तरह से आयोटा एक्स साइन ए एक्स और आयोटा एक्स साइन ए एक्स ये ऐड हो रहा है, तो क्या देखा हमारे पास 2 आयोटा एक्स साइन ए एक्स, 2 आयोटा कॉमन आ रहा है तो 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, 1 बाय ए 1 बाय ए कोस ए एक्स लॉग कोस ए एक्स, प्लस में 2 आयोटा कैंसिल हो गया तो एक्स साइन ए एक्स, ओके ये हो गया पी आई। सोल्यूशन क्या था हमारे पास, वाई कैलकुलेट करना था, तो वाई किसके इक्वल है, सी एफ प्लस पी आई के इक्वल होगा, तो वाई इक्वल टू सी एफ, एम की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, प्लस माइनस आयोटा आई, तो सी एफ क्या था, सी वन कोस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स प्लस पी आई की वैल्यू, पी आई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1 बाय ए ब्रैकेट के अंदर 1 बाय ए कोस ए एक्स लॉग कोस ए एक्स, और प्लस में क्या था हमारे पास, एक्स साइन ए एक्स, यही था ना हमारे पास, ओके तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आगे समझ में आपको, हमने यहाँ पर ए की पावर एक्स के लिए मेथड पढ़ा है, अगर डी की वैल्यू ए पुट करने पे नॉट इक्वल टू जीरो के कंडीशन आ गया, और अगर ई की ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ए एक्स कोस ए एक्स या एक्स के मल्टीपल की टर्म इनको छोड़कर अगर कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसके लिए हमें पी आई कैसे कैलकुलेट करना है, ओके मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस चैप्टर को आपको करना जरूरी है तभी आप आगे के चैप्टर कर पाओगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक कर पाओगे, अगर आपने इस चैप्टर को स्किप कर दिया तो आप नेक्स्ट चैप्टर और पार्शल की बुक को नहीं कर पाओगे, इसलिए अगर आपको इस चैप्टर में जो मैं करवा रही हूँ या इस चैप्टर के जो पार्ट मैं करवाऊंगी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के थर्ड पार्ट सी पार्ट के साथ।